किसी भी सरकारी अमलाक को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, ये आपके और हमारे टैक्स से बनती है। नंबर टू, मार्क माई वर्ड्स, किसी भी पुलिस वाले को वो आपको लाठी मारे, आपने उसे सीने से लगाना है। नंबर थ्री, हम आज पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए ये कह रहे हैं कि अभी और इसी वक्त मुल्क गिर हर शहर में धरने का ऐलान करते हैं। उसके बाद हमारे लाहौर वाले कराची में, फैजाबाद रावलपिंडी में, पूरे मुल्क में धरनों का ऐलान करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान निकले, मस्जिदों में जाए, मौलवी साहब से बोले कि धरने का ऐलान करो, वो नहीं करता तो माइक लो, खुद धरने का ऐलान करो। हमने उसके बाद एक बात याद रखना, पाकिस्तान और ये मेरे और तुम्हारे बाप दादा ने बनाया था, ये ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना था, हमने इसके एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। और पाकिस्तान के जिस कोने में भी धरना दिया जाए, कोई भी एम्बुलेंस तो में नजर आए, मेरे साथ हल्फ उठाओ से रास्ता दोगे। कोई भी गाड़ी गुजर रही हो जिसमें औरत या बच्चे हो, उसको रास्ता दोगे, वादा करते हो। इस्लाम का पॉजिटिव इमेज दुनिया को जाएगा। हमारा मुकाबला, हमारी दुश्मनी अपने मुल्क के लोगों के साथ नहीं, हमारी दुश्मनी उन गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ है। और मैं एक सेकंड, हमने मजबूर करना है। आंसू गैस तो पूरे मुल्क को पता है, अभी आधे लोग हमारे बेहोश हुए हुए, जो इन्होंने एक्सपायर्ड शेल पहन के हमारे लोगों को मारा गया, कोई मसला नहीं। हम आई हजूर के लिए, हमने तो जाने देनी हजूर के लिए। अभी जेके एम्बुलेंस जा रही है, इनको रास्ता दे पूरा, क्यों ही नहीं रोकेगा। और दूसरी बात देखो यार, मेरे आका अली सलातो सलाम की शान में गुस्ताखी की गई है, अगर अब भी हम लोग गैरतमंद ना बने तो इमाम मालिक से किसी ने पूछा था अगर कोई गुस्ताखी करे तो क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। और अगर फिर पूछा कि वो जिंदा रह गया तो कहते फिर पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए, फिर उम्मत के बाकी रहने का हक नहीं है। हम यहीं पर महफिल नाद भी किया करेंगे रोजाना, यहीं पर सरकार की आमद का जश्न भी होगा, यहीं पर कवालियां भी होगी, यहीं पर हर मकतब फिक्र का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सिद्दीक अकबर का वो पैगाम देगा जो मिसाइल मकज़ाब के मुकाबले में उन्होंने दिया था। इंशाअल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अब जो लोग या नबी कहते हो या नबी कहे, जो नबी नबी कहते हो नबी नबी कहे, कोई इख्तलाफ नहीं। सैयदी मुर्शदी सिद्दीक से पूछा तो सदाकत बोली, फारूक से पूछा तो अदालत बोली, उस्मान से पूछा तो सखावत बोली, हैदर से पूछा तो शुजात बोली, हसनैन से पूछा तो शहादत बोली, फिर शम्स कमर में, फिर अर्श सभा में, फिर कौन बगा में, फिर पैरो पर में, दीवाने तेरे मस्ताने तेरे, बड़ी दूर से आए दामन फैलाए, परवाने तेरे तेरे दीन की खातिर, नामूस की खातिर कुर्बान करेंगे ये जान भी अपनी, कर सोच के बोलो, कर सोच लिया तो फिर डरते क्यों हो, ललकार के बोलो या नबी।